7 तारीख में खाप पंचायतों के प्रतिनिधि मंडल आएंगे। आज हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कई जगह मीटिंग हुई और उनको ये बातचीत हुई कि एक दो दो आदमी हर खाप से यहाँ पे आए, 50-100-200 लोग आ जाएंगे। यहाँ पे आगे की एक रणनीति बढ़ानी पड़ेगी। आगे का मूवमेंट ये कैसे चलेगा, इनकी प्रैक्टिस का सवाल है, वो कैसे होगी, वो यही होगी या ये वहां पे करेंगे, यहाँ पे धरने में कितने लोग रहेंगे, तो ये सारे सवाल होंगे। ये सब बैठ के जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनके सामने वो एजेंडा रखेंगे, वो एजेंडा पूरा तय होगा और 7 तारीख के बाद में उसी सिस्टम से फिर आगे का मूवमेंट ही चलाएंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, और ये मीटिंग करेंगे तो हम जाएंगे उनकी मीटिंग में। वे मीटिंग दिल्ली में करें, दिल्ली में पब्लिक मीटिंग करें वे, तो उसमें हमको भी बुलवावे, इन बच्चों को बुलवावे, ये अपना पक्ष वहां पे भी रखेंगे। कानून बराबर होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है तो ये तो किसी की गिरफ्तारी ना हो और जांच के बाद गिरफ्तारी हो, और अगर रिपोर्ट के बाद में गिरफ्तारी होती है तो फिर उनकी भी हो। देखो, विपक्ष वाले आते हैं, जब ये विपक्ष में थे तो ये जाकर थे, जब ये विपक्ष में होते थे ये जाते थे, आज इनकी सत्ता ये आ नहीं सकते। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वाले जो सत्तारूढ़ भी हैं वे सब लोग साथ में हैं, वे यहाँ आ नहीं सकते लेकिन उनका समर्थन है, सबका समर्थन है। क्यों नहीं आए, हम तो कह रहे कि आओ इनकी बात सुनो ना, इनकी क्यों नहीं आए, उनको कोई यहाँ पे कोई पाबंदी थोड़ा किसी की। अब सत्तारूढ़ पार्टी के आया ही नहीं करते भाई, सत्तारूढ़ पार्टी एक आधा क्रांतिकारी पैदा होता है जो अपनी सरकार के खिलाफ जाता है, नहीं तो जाता ही नहीं। क्या पता कब तक का भूत का, छाज का, राड का, आंदोलन का, क्या पता कितना बढ़ जा कितना घट जा। और ये कौन सा मुद्दा, यहाँ कोई हमने एमएसपी का मुद्दा रख लिया, बिजली का मुद्दा रख लिया, यहाँ पे गन्ना भुगतान का रख लिया, फसलों के दाम का रख लिया, यहाँ तो एक ही तो मुद्दा है, यहाँ तो दूसरा कोई इशू है ही नहीं। दूसरा इशू बताओ क्या है यहाँ। अच्छा, पहले भी ऐसा ही होता था क्या? अगर पहले ऐसा होता हो, अगर पोस्को की रिपोर्ट हुई है और उसकी गिरफ्तारी ना हुई हो तो इनकी भी ना होगी। आप हमको सबूत दे दो तो फिर हम इनसे भी बातचीत करेंगे, ठीक है जी? आप सबूत जरूर दे दो तो फिर हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।